नौ भक्तियां हैं प्रहलाद के अंदर। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नौ प्रकार की भक्तियां। अब जरा इस पर विचार कर लीजिए, यहां बहुत संख्या में अध्यापक लोग बैठे हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे दिल्ली बोर्ड हो, चाहे एमपी का बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में जब आप कॉपी जांचते हैं तो उसमें एक नियम है 33, अगर 33% अंक आए हैं तो पास किया जाएगा। ऐसा दुनिया में कोई बोर्ड नहीं है जो एक अंक में पास कर दे। आप विचार करिए, पुराण कितनी उदार हैं, हमारे भगवान जी कितने उदार हैं। राम जी ने कहा कि मां सब जगह पर 33 का अनुपात चलता है और हम भक्ति की वह बात बताने जा रहे हैं, एक अंक में भी पास कर सकते हैं। तो पहले नौ भक्तियां सुना दी और फिर अंत में कह दिया, तो आप दूसरी भक्ति में बैठे हैं। ये कोई सामान्य काम नहीं कर रहे हैं, आपकी घर से यहां निकल के आके बैठ गए, ये दूसरी भक्ति है। भगवान की कथा में यदि प्रीति हो जाए तो इससे बड़ा और कोई फिर आपको कुछ करना ही नहीं है अलग से। कथा में प्रीति हो जाए, कोई करा रहा हो, कोई कह रहा हो, कोई सुन रहा हो, लेकिन हमें तो कथा में जाना ही है।